जब 5वीं सदी में मौर्य वंश के शासक चित्रांगन ने मुझे इस पहाड़ी पर बसाया था, तब से लेकर आज तक मैं हजारों शूरवीरों का इतिहास समेटे बैठा हूँ। मैं चित्तौड़गढ़ आज अपनी कहानी सुना रहा हूँ। 728 ईस्वी में मेरे ऊपर गोहिल वंश का शासन रहा, जिन्होंने मुझे दहेज के रूप में अपनी बेटी के साथ रावल वंश को दे दिया और वहाँ से बप्पा रावल तक का मेरा सफर वैभवशाली था, जिसके बाद मेरे पराक्रम की कहानियाँ दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन 14वीं सदी से 16वीं सदी के बीच मैंने बुरा वक्त भी देखा। दुनिया का सबसे मजबूत व अभेद्य किला किस प्रकार से कमजोर हो सकता है, ये खिलजी की रणनीति ने बता दिया। 1303 में किस प्रकार गोरा बादल सहित मेरे बेटों ने केसरिया कर 16,000 रानियों के साथ रानी पद्मावती ने जौहर किया था और उसी पवित्र जौहर से निकली अग्नि ने सुल्तान की गंदी मन इच्छा को जलाकर राख कर दिया। उसके बाद मेरे पास अपने वीर पुत्रों की याद में आंसुओं के अलावा कुछ भी नहीं था। मैं करता भी तो क्या, दुश्मन ने तब से लेकर 13 साल तक मेरे ऊपर राज किया। इस दौरान उन्होंने हजारों मंदिर व महलों को तोड़कर घोर अत्याचार कर मुझे नुकसान पहुंचाया था। लेकिन 1325 में एक लिंग जी की कृपा से राणा हमीर ने मुझे फिर से संभाला और एक सिसोदिया वंश को चलाया, जिसने आखिरी तक मेरे ऊपर राज किया। फिर से मेरे चारों ओर की दीवारों को मजबूत किया गया। नए दुर्ग, किले, महल, अनेकों सुंदर मंदिरों का निर्माण कर महाराणा कुंभा जैसे राजाओं ने मेरी ख्याति फिर से पूरे विश्व में फैला दी। वैसे तो मेरे अंदर जाने के लिए 7 अभेद्य दरवाजे हैं। मेरे किले की मजबूत दीवार दुश्मन को अंदर झांकने तक नहीं देती। पिछली बार की तरह इस बार दिल्ली के शासक ने मुझे फिर से घेर लिया और इस बार था मुगल बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर। पिछली बार की तरह इस बार भी किले की अधिक समय तक घेराबंदी होने के कारण खाने पीने का सामान अंदर नहीं पहुंच पाया और जो अंदर था वो सब खत्म हो चुका था। इतिहास एक बार फिर से दोहराने के लिए तैयार था। मुगलों की इतनी बड़ी सेना के सामने मुट्ठी भर चित्तौड़ के सैनिक माथे पर केसरिया पगड़ी बांध मर मिटने को तैयार खड़े थे। रानियां एक बार फिर से जौहर की तैयारियां करने लगी और 23 फरवरी 1568 को चित्तौड़गढ़ के दरवाजे खुले। मुट्ठी भर मेवाड़ी दुश्मन के हजारों सैनिकों पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े और भयंकर मारपाट हुई, जिसमें अकेले जयमल और फत्ता जी ने हजारों सैनिकों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया, लेकिन फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये देख अकबर ने दूर से ही बंदूक की गोली से मारने का आदेश दिया और वो वीर क्षत्रिय चिल्ला चिल्ला कर अकबर से कह रहे थे, अगर बाजुओं में ताकत हो तो हमें तलवार से मार कर दिखाओ। जब तक मेवाड़ का एक भी सैनिक जीवित था, मुगल मेरे किले में प्रवेश नहीं कर पाए। अकबर ने मुट्ठी भर राजपूतों से अपनी आधी से अधिक सेना को खत्म हुए देख क्रोध से भर गया और मेरे अंदर शरण लेकर बैठी चित्तौड़ की निर्दोष 40,000 प्रजा का बेदर्दी से नरसंहार कर दिया। इतिहास में अकबर के जीवन का काला दाग कहलाया। इस बार मेरे चारों ओर अपने सैनिकों की लाशें बिछी थी। अंदर रानियों के जौहर की चीखें और निर्दोष प्रजा का बहता खून देखकर मेरा कलेजा फट रहा था। मैं चित्तौड़गढ़ राणा सांगा की तरह ना जाने कितने ही गहरे घाव लेकर बैठा हूँ।